नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा एक की भरी हुई शिक्षक डायरी जो 16 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2023 तक की लिखी गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें। नवीन साप्ताहिक शिक्षक संदर्श का एवं कार्य पुस्तिका के अनुसार देखेंगे तो सप्ताह संख्या 18 और 19 की कार्य योजना इस वीडियो में आप देख पाएंगे। तो करते हैं प्रारंभ, सर्वप्रथम हम देख लेते हैं 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार के लिए क्या अंकित करना है, क्या शिक्षण कार्य कराना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसका PDF के लिए भी विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ कक्षा में एक अंकित कर देंगे और विषय में कलरव कार्य पुस्तिका, गणित कार्य पुस्तिका, कलरव इंग्लिश और सह पाठ्यक्रम, ये हमारे विषय हैं, यह हमारे टॉपिक है। तो सर्वप्रथम जो हमारा टॉपिक रहता है वो है आज मौखिक भाषा विकास। यह सप्ताह संख्या 18 का पांचवा दिन आप देख रहे हैं। तो यहाँ मौखिक भाषा विकास में हम देखेंगे तो कोई भी कहानी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे खरगोश कछुआ की दौड़ इत्यादि। और यहाँ देखेंगे तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे, वर्ड वर्क कराना रहेगा यहाँ पे, और टेक्स्ट बुक में कार्य कराना, वर्ड पर कार्य कराना रहेगा। और यहाँ रहेगा स्वतंत्र पठन, जिसमें हमें पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर से किताबें पढ़ने को जो है देंगे। भोजन समय के बाद देख लेंगे गणित में आज यहाँ पर समेकन और आकलन, समेकन गतिविधि कराना और उसके साथ ही आकलन कार्य करने का कार्य करेंगे आज। और यहाँ टेक्स्ट बुक और बोर्ड पर कार्य करेंगे, आकलन प्रपत्र स्वयं तैयार करेंगे। यहाँ इंग्लिश में लेसन आपका 6 है, वर्ड्स एंड एनिमल्स 10 एनिमल्स नेम छात्रों से पूछेंगे, और शैपाड़ी में खेल गतिविधि का आयोजन करेंगे। और लास्ट में हमें अंकित करना है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। इसके हम चलेंगे नेक्स्ट डेट 17 अक्टूबर 2023 दिन आपका पड़ेगा मंगलवार। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में कविता पोस्टर काशी फल पर चर्चा करना, और यहाँ रहेगा आकलन, यहाँ साप्ताहिक आकलन पर कार्य करेंगे। हिंदी कार्य पुस्तिका पेज संख्या 45 मैंने सीख लिया से आकलन कार्य करेंगे। और रहेगा इसके बाद रेमेडियल कार्य, अतिरिक्त आवश्यकता वाले छात्रों के साथ रेमेडियल कार्य है। वही समय के बाद देखेंगे पुनरावृत्ति और रेमेडियल, गणित में आज पुनरावृत्ति एक के साथ साथ रेमेडियल कार्य भी करेंगे। तो यहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड वर्क जो कराना, आकलन प्रपत्र स्वयं तैयार करेंगे, लेसन 6 वर्ड्स एंड एनिमल्स इंग्लिश में 10 एनिमल्स नेम पूछेंगे, और सह पाठ्यक्रम में छात्रों से गीत कहानी कविता सुनेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेट 18 अक्टूबर 2023 दिन आपका रहेगा बुधवार, यहाँ पे सप्ताह संख्या 19 का पहला दिन रहेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मौखिक भाषा विकास में शिक्षक संदर्श का पेज संख्या 106 से इनके बारे में बताओ जो गतिविधि दी गई है वो कराएंगे, उस पर कार्य करेंगे। और डिकोडिंग में ओ की मात्रा की पहचान पर कार्य करेंगे, बोर्ड वर्क है। और हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ आपको मिलेगा 26, जहाँ पे हमें पढ़ने लिखने का अभ्यास कार्य कराना है। और यहाँ रहेगा पठन अभ्यास, तो शिक्षक संदर्श का पेज संख्या 130 पर पठन अभ्यास 9 मिलेगी, और वहाँ से पढ़ने का अभ्यास कार्य कराना रहेगा। भोजन समय के बाद देख लेंगे गणित में शिक्षण उद्देश्य 1 इस सप्ताह का, तो यहाँ वस्तुओं का मापन सिखाना रहेगा, यहाँ TLM का प्रयोग करेंगे। और गणित की कार्य पुस्तिका पेज संख्या 79 अभ्यास 01 पर अभ्यास कार्य कराना रहेगा। कलर इंग्लिश में लेसन 7 लेट्स डू सम एक्शन पढ़ने का अभ्यास कराना, और गृह कार्य देना रहेगा। सह पाठ्यक्रम में चित्रकला, जिसमें मोर का चित्र बनवाना रहेगा। और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेट 19 अक्टूबर 2023 दिन आपका पड़ेगा यहाँ गुरुवार। तो यहाँ देख लेते हैं मौखिक भाषा विकास में पाठ्य पुस्तक कलर पाठ 8 रसोई पाठ पर चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में देखेंगे तो ओ की मात्रा की पहचान सिखाना, वर्ड वर्क है। हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ आपका रहेगा 26, जहाँ पढ़ने लिखने का अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और पठन अभ्यास में देखेंगे शिक्षक संदर्श का पेज 130 पर पठन अभ्यास 9 पर पढ़ने का अभ्यास कार्य कराना रहेगा। और भोजन समय के बाद देखेंगे शिक्षण उद्देश्य आपके 2 वस्तुओं का मापन सिखाना, TLM का यहाँ प्रयोग करेंगे। गणित कार्य पुस्तिका पेज संख्या 80 पर अभ्यास 02 कार्य पत्रक है, वहाँ से अभ्यास कार्य कराना रहेगा। इंग्लिश में आपका लेसन 7 है, और सह पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि का आयोजन करेंगे। और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डेट 20 अक्टूबर 2023 दिन आपका पड़ेगा यहाँ शुक्रवार। तो यहाँ देख लेते हैं कलरव मौखिक भाषा विकास में देखेंगे यहाँ पाठ्य पुस्तक कलरव से पाठ 8 रसोई चित्रों पर चर्चा करना, और वर्ड पहचान देखेंगे तो कहाँ वर्ड की पहचान सिखाना, बोर्ड वर्क है। हिंदी कार्य पुस्तिका पाठ आपका रहेगा यहाँ पर 27, ठीक है, पर पढ़ने लिखने का अभ्यास कार्य करना रहेगा। और पठन अभ्यास में शिक्षक संदर्श का पेज 131 पर पठन अभ्यास 10 का प्रयोग करेंगे। भोजन समय का देखेंगे तो शिक्षण उद्देश्य 3 यहाँ पे, तो आज हल्का भारी की समझ बनाना और तुलना करना सिखाया जाएगा। वहीं गणित कार्य पुस्तिका पेज संख्या 81 पर अभ्यास 03 से जो है अभ्यास कार्य करना है।
कलर ऑफ इंग्लिश में लेसन 7 लेट्स डू सम एक्शन पढ़ने का अभ्यास कार्य करना रहेगा, गृह कार्य देना रहेगा और सह पाठ्यक्रम में छात्रों से गीत कहानी कविता सुनेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेट 21 अक्टूबर 2023, दिन आपका पड़ेगा शनिवार। तो यहाँ देख लेते हैं क्या अंकित करना है। तो यहाँ मौखिक भाषा विकास में शिक्षक संदर्श का पेज 107 पर खेल गतिविधि का आयोजन करेंगे। जो खेल गतिविधि होगी क्या हो अगर, यहाँ वर्ण पहचान में ई वर्ण की पहचान से करा रहेगा, बोर्ड पर कार्य रहेगा और हिंदी कार्य पुस्तक का पाठ 28 पर पढ़ने लिखने का अभ्यास कार्य कराना और पठन अभ्यास में बिग बुक से कहानियां पढ़ना रहेगा। और भोजन समय के बाद देखेंगे गणित में गणित खेल। यहाँ शिक्षण उद्देश्य 1, 2, 3 के अनुसार जो भी गतिविधि दी गई है शिक्षक संदर्श का में वो कराएंगे। परिवेशीय वस्तुओं का उपयोग करेंगे, कक्कड़ है, मेज है, किताब इत्यादि। यहाँ कलर ऑफ इंग्लिश में लेसन 7 रहेगा, लेट्स डू सम एक्शन पाठ से लेखन कार्य करना, गृह कार्य देना। सह पाठ्यक्रम में चित्रकला में जिसमें बिल्ली का चित्र बनवाना रहेगा। और लास्ट में हम अंकित करते चलेंगे कि क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा या फिर बच्चे सीख रहे हैं। तो ये थी कक्षा 1 की भरी हुई शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।